रात का स्किन केयर इज डन, इट्स 10 PM अभी, कल सुबह 4 बजे उठना है बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ डेट। So we're officially awake early in the morning at 4 baje to go on a date. Let's do this. पता है डेट पे कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता, बट कंसिडरिंग मैं कहाँ डेट पे जा रही हूँ, सुबह के 5 बजे आई डोंट थिंक मैं एक छोटा ड्रेस पहन सकती हूँ फिर अ डेट। आज कुछ भी हो जाए आज तो वो जगह पे जाएंगे। ये तो गलत रास्ता लग रहा है, कौन गो फ्रॉम दिस? ओ भाई स्टार्ट से पहले इतनी ओ बटरफ्लाई, ठीक है। ओ हेलो, व्हाई एम आई स्केर्ड ऑफ बटरफ्लाइज? यहाँ से सीधा जाना है भैया। ये डेट से ज्यादा मुझे लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है। कैसे जाऊँ यार, यहाँ पे लिटरली बहुत झाड़ी है भैया। यहाँ पे साफ पाप नहीं होता क्या? तो अरे बारिश नहीं आना चाहिए भाई। रुक जा मेरे हाथ में। ओ शिट, आने का बहुत इजी रूट था, फॉर श्योर मैंने कुछ गलत लिया है। वी हैव रीच्ड, इट्स अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। दिस इज हावरे सिटी। सो आई हैव ऑलरेडी शोन दिस प्लेस इन वन वीडियो वेयर आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस विद माय डैड, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ बिकॉज आई नो दिस प्लेस। फट्टू लाइक मी विल नेवर गो सोलो बिकॉज आई एम नॉट लाइक अ फॉरेस्ट पर्सन, बट थोड़ी सी फटी आई वॉन्ट लाइक, बट आई रियली वॉन्टेड दैट me time। स्पॉट जहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ पे ना एक मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देयर इज वेर वेरी लिटिल, छोटा सा स्पेस है, यू कैन सिट, और वहाँ पे यू कैन फील लाइक अ वैली, बहुत सुंदर वैली है। वी ऑलमोस्ट रीच्ड द वैली पॉइंट। मैं वैली पॉइंट बोलती हूँ, इतना कोई वैली वैली सा नहीं है यहाँ पे, बट इट्स जस्ट अ वेरी शांत वाला स्पॉट और काफ़ी जगह है यहाँ पे बैठने को। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पीस ना, तो तुम्हें पक्का यहाँ पे तो वो ढेर सारा पीस मिल जाएगा। और आगे जाके ऑफकोर्स यहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो ऐसे प्रॉपर पिकनिक डेट हो जाती है। आपने कल रात को और सुबह देखा होगा, आई अप्लाइड दीज टू सीरम्स। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक क्विकली टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज एक्चुअली लाइक अ प्रॉपर गेम चेंजर। केमिस्ट एट प्ले इज अ फेयरली न्यू ब्रांड एंड इट्स लाइक द इंडियाज फर्स्ट सिरामाइट बेस्ड ब्रांड। दीज वर द टू पैकेट्स इन विच आई एक्चुअली गॉट देम एंड दीज आर लाइक सुपर क्यूट एंड कलरफुल। उनका वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो बहुत कलरफुल है। लेट मी स्टार्ट विद द प्रोडक्ट जो मैंने रात में यूज़ किया था, एक्सफोलिएटिंग फेस सीरम। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केमिकल पीलिंग, मस्ट हैव हर्ड अबाउट एक्सफोलिएशन, इज एक्चुअली रिमूविंग द डेड स्किन सेल। तो आपका जो न्यू स्किन आता है इट्स ऑटोमेटिकली वेरी ब्राइट, इट्स मोर सॉफ्ट एंड बेबी लाइक। अंटिल एंड अनलेस पिंपल्स और एक्ने चले नहीं जाते, डू नॉट एक्सफोलिएट योर स्किन।
This contains 10% AHA and 1% hyaluronic acid, which is amazing. But you use it only once a week. I'm guaranteeing you, you can see a difference in your skin when you wake up in the morning. Morning mein, you must have seen me using the vitamin C well. And aapko skin brightening, dark spots, patchy skin. This is one of the things that are very common. Well, I have been using this for almost more than a month now. Before using any of these, just test patch kar lena apne skin pe, just to make sure that is actually suiting your skin. And if you want to add this to your cart, link will be in the description box. This is honestly, ye aise lag raha hai mini cast plate ho hai. Sirf zyada colors diye, sirf yellow hai, but ab main actually camera mein capture nahi kar pa rahi hu, but ye pura place is covered with yellow yellow chote chote flowers aur itna pyara nazara hai, can't even tell you. Chalo aage chalte hain. नहीं है, मैं लास्ट टाइम कौन से स्पॉट पे आई थी. बारिश की वजह से सब जगह झाड़ी झाड़ी, तो नॉर्मली जब बारिश कम हो जाता है ना, एक रोड बन जाता है. अब तो सब सेम ही लग रहा है, नहीं पता मैं कैसे वापस आने वाली हूँ. आई थिंक आई एम लॉस्ट. ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से घर है, आई कैन सी. शायद मैं ज़्यादा आगे आ गई हूँ, आई हैव नेवर कम टू दिस प्लेस बिफोर. और बहुत विंडी और क्लाउडी लग रहा है वापस. ऐसे लग रहा है स्ट्रैंडेड हूँ एक आइलैंड पे, बारिश आ रहा है विथ नोबडी अराउंड. नसीब द बारिश जस्ट स्टॉप्ड. हाँ, ये शायद मेरे को अक्टूबर में करना चाहिए था, जब धूप रहती बारिश नहीं. मेरा मेन एम टू कम टू दिस प्लेस वाज बिकॉज आई जस्ट वांटेड सम सोलो टाइम. सोलो टाइम के जगह फट के हाथ में आएंगे. लेट्स जस्ट गो. आई जस्ट लॉस्ट. आई I don't even know if this vlog is going up on the channel, क्योंकि मेरी इतनी फटी है ना अभी कि मैं बस बात करे जा रही हूँ. कोई आए का? कोई आए? पावसी काका. I can see a waterfall there. And honestly, आज waterfall देखे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बस घर जाना. I remember this waterfall. मुझे याद है ये waterfall. मैं मेरे dad के साथ आई थी एक बार, उसके साथ उसका vlog भी किया था. But I now remember the route. Thank God. I'm sorry guys. मेरी सच में बहुत फटी थी and the only thing that kept me comfortable was talking in front of the camera. मुझे पता नहीं edit में मैं ये डालूंगी या नहीं, but if you have already seen, so I'm alive. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा.
लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच, तुम कोई गंगना ले गाले तू गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच, पग भर नैनों से तू नैना बुला के नाच। सही लग रहा है, पता है ऐसा पॉन्ड बना है, पॉन्ड के सामने हम जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट। ये मेरी लाइफ का सबसे एडवेंचरस ट्रिप था, मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। सोलो अकेले गई थी, ऐसे डरने की तो बात नहीं थी, बट आजू बाजू जब सब जंगल दिख रहा था और तीन बार मैं भटक गई तब आई लॉस्ट इट। दो बार जब मैं किसी का घर देखा, कोई खोल भी नहीं रहा था, कोई था भी नहीं, तो मेरी बॉस फट गई थी। थैंक गॉड थोड़े देर में आई फाउंड द रोड। बट अब सोच रही हो तो हंसने आ रहा है, बट वो मोमेंट पे एक पॉइंट पे ऐसे लगा था कि मैं गई, मैं आज गई। आई डोंट नो यार मैं क्या बोलूँ आज। मतलब बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी मैं एक सोलो ट्रिप पे जाऊँगी, तो आई थॉट एक सोलो हाइक तो बनती है ट्रिप जाने से पहले, और ये हाइक में इतनी फट गई। बट ऑफकोर्स ये अलग था, जो ट्रिप होगा वो प्लान्ड होगा, और मुझे एक्चुअली आई एम नॉट वेरी एनिमल फ्रेंडली, इसीलिए मुझे डर लग रहा था, और ऐसे मुझे आवाज़ आ रहा था तो और ज़्यादा फट रही थी मुझे। आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो रहे, मैं भी ये एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं बड़ा योगा मैट कैरी किया, सोचा कि योगा करूँगी, मतलब मेरे से ज़्यादा ना कोई ओवर एक्टिंग कोई इस दुनिया में मिला ना तो मुझे बताना। फाइनली गुड बाय टू दिस अमेजिंग प्लेस।